हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब सो क्लास टेंथ आई होप कि आप लोगों की बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी और आप लोग बहुत ही सीरियसली अब प्रिपरेशन में लग गए होंगे है ना सो क्लास टेंथ आज हम लोग इंग्लिश फूट प्रिंट विदऊट फीट का चैप्टर द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट पढ़ेंगे जिसके राइटर कौन है रॉबर्ट डब्ल्यू पीटरसन ठीक है बेसिकली ये जो स्टोरी है ये जो चैप्टर uh, है इसमें एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है रिचर्ड अब्राइट और ये पूरी जो चैप्टर ये पूरा चैप्टर उनकी जर्नी पे बेस्ड है कि कैसे वो एक इतने सक्सेसफुल साइंटिस्ट बने तो हम लोग बात करते हैं थीम थीम की इस की इस लेसन क्या है देखिए ये जब आप ये लेसन पढ़ोगे ना चैप्टर जब पढ़ोगे तो आप अपने आप मोटिवेट हो जाओगे कि हमें किस तरह से अपने ड्रीम को अपने ड्रीम को किस तरह से परस्यू करना है किस तरह से हमें अपने ड्रीम को फुलफिल करना है ना होता है ना देखिए अप्रॉयड को क्योंकि उसने पहले से ही अपना माइंड बना लिया था कि उसको एक महान साइंटिस्ट बनना है और वो फाइनली वो एक महान साइंटिस्ट बने है ना तो उन्होंने स्टार्टिंग से ही अपने आप को एकदम अपना माइंड मेकअप करके रखा हुआ था तो वो बिल्कुल डिटरमाइंड थे उनका एक स्ट्रॉन्ग सेंस जो था एज अ चाइल्ड उनके अंदर क्या थी बहुत ज्यादा क्यूरसिटी थी तो साइंटिस्ट बनने के लिए या कोई भी आप जो भी एम आप हासिल करना चाह रहे हो तो क्यूरसिटी जो होती है वो कहीं ना कहीं एक इम्पोर्टेंट और पॉजिटिव रोल प्ले करती ही है जैसा कि एम्ब्रॉयड के लिए हुआ है ना तो इन्होंने जिस तरह से एक साइंटिस्ट बना उससे हमारे भी बहुत बनता है कि हाँ ठीक है हमारी जो जर्नी होती है हमारा जो करियर का गोल है ठीक है हम जो कुछ भी बनना चाहते हैं माना कि वो आसान नहीं है लेकिन हम उसको अचीव कर सकते हैं कैसे बिल्कुल हार्ड वर्क के थ्रू है ना तो सक्सेस के लिए कोई भी शॉर्टकट नहीं होता है हम सभी मेहनत करते हैं और फाइनली सक्सेसफुल होते ही हैं और जो फेलियर होता है मैं बार बार कहती हूँ आप लोग एक ऐसा स्टेप मानो कि जो आपको सक्सेस की तरफ ले जाएगा वो ड्रॉबैक नहीं होता है वो आपको ये सिखाता है कि आपने ऐसी क्या मिस्टेक की जिसकी वजह से आप फेल हुए है ना तो हमेशा ही पॉजिटिव सोचना है चलिए तो वो स्टोरी स्टार्ट करते हैं हम लोग देखिए जो द मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट है ये एक ऐसे फेमस साइंटिस्ट के बारे में जिनका नाम रिचर्ड अप्रॉट है और इनकी माइ इनको रिची कहती थी और ये स्टार्टिंग से ही अपने चाइल्डहुड से ही बहुत ही क्यूरियस चाइल्ड रहे हैं और इन्होंने अपने बचपन में ही क्या करना स्टार्ट कर दिया था बटरफ्लाइज को कलेक्ट करना स्टार्ट कर दिया था क्योंकि ये जहाँ पे रह रहे थे जिस टाउन में वो बिल्कुल अकेले वहां रहते थे वहां पे उनके साथ खेलने वाला कोई भी नहीं था तो ये ऐसा कोई भी गेम नहीं खेल सकते थे जिसमें कोई एक अकेला बच्चा हो मतलब कोई भी आप गेम खेलोगे अगर आप लूडो भी खेलोगे तो दो चाहिए बॉल कोई भी गेम खेलते हो तो आपको एक टीम चाहिए होती है तो ये बिल्कुल अकेले थे इसलिए ये क्या कर सकते थे सिर्फ और सिर्फ चीजों को कलेक्ट कर सकते थे है ना तो ये बटरफ्लाइज के साथ साथ और भी कई सारी चीजें कलेक्ट करते थे जैसे आपके टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है होते हैं ना पोस्ट कार्ड पहले आते थे अभी भी आते हैं तो उस टाइम में बच्चों के ये हॉबी होती थी कि वो पोस्ट कार्ड और कुछ ऐसे गोल गोल मार्बल स्टेप के पत्थर आते थे स्टोन्स उनको कलेक्ट करते थे जिसका जिस चीज में इंटरेस्ट था वो उस चीज को कलेक्ट करता था तो फिर इन्होंने क्या किया कि बटरफ्लाईज को कलेक्ट करना स्टार्ट कर दिया और जब ये दो साल के हुए तो इन्होंने अपने होम टाउन के आसपास पाई जाने वाली लगभग ट्वेंटी फाइव टाइप्स की ट्वेंटी फाइव स्पेसीज की बटरफ्लाइज को कलेक्ट कर लिया था तो इनको ऐसा लगा कि अब इनका जो बटरफ्लाई कलेक्शन का जो जर्नी है वो अब एंड हो जाएगा यानी खत्म हो जाएगा तो उससे पहले एक दिन क्या हुआ कि उनकी माँ उनके लिए एक बुक लेकर आई जिसका नाम था द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क एक्स है ना बुक का क्या नाम है द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क एक्स इसको आप लोग अपने टेक्स्ट बुक में अंडरलाइन कर लीजिएगा ये क्वेश्चन एक्सट्रैक्ट्स में से अगर क्वेश्चन तो आ सकता है कि उनकी ने उनको कौन सी बुक ला दी थी ठीक है इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा तो ये बुक जो इनकी माँ ने इनको लाकर दी थी ना ये इनकी लाइफ के लिए एक टर्निंग पॉइंट बन गया कैसे देखिए ये इस बुक के साथ पढ़ते पढ़ते और ज्यादा साइंस के वर्ल्ड में और ज्यादा ये इंटरेस्टेड होते चले गए है ना उन्होंने बटरफ्लाइज को टैग करना स्टार्ट कर दिया जो कि उस बुक के लास्ट में एक टास्क दिया गया था कि आपको बटरफ्लाइज को टैग करना है तो फिर जब उसके बाद ये काफी टाइम तक बटरफ्लाइज को टैग करते रहे लेकिन फिर वो इस काम से बोर हो गए और उसके बाद ये खुद कहते हैं कि इन्होंने जितनी बटरफ्लाइज को टैग किया था उसमें से सिर्फ दो ही बटरफ्लाइज मिल सकी तो हो सकता है बाकी बटरफ्लाइज काफी दूर चली गई हो या बर्ड्स ने उनको खा लिया हो है ना फिर जब ये फर्स्ट टाइम ये एक साइंस फेयर में गए थे तो वहां पर इन्होंने टिश्यूज के ऊपर एक स्लाइड प्रेजेंट की थी वहां पे सभी लोग कुछ ना कुछ प्राइस जीते थे लेकिन ये कोई भी प्राइज नहीं जीत सके थे तो इन्होंने ये चीज ऑब्जर्व किया कि वहां पे जिन लोगों को भी प्राइज मिला है तो उन्होंने वहां पे रियल एक्सपेरिमेंट्स करके दिखलाए है है ना ऐसा नहीं किया कि कोई प्रोजेक्ट वो बना कर ले आए और उसको बस वहां पे शो कर दिया ऐसे डेमो के लिए बस सजा के रख दिया ऐसा नहीं था वो लोग वहां पे उस चीज को पूरा बनाकर दिखलाया कि ये कैसे किस तरह से हमने इसको बनाया और ये किस तरह से काम करता है ठीक है तो ये काफी सैड हो गए और उनको बहुत जल्दी ये बात समझ में आ गया कि अगर उनको जीतना है तो उन्हें भी रियल एक्सपेरिमेंट करना होगा ना कि सिर्फ वहां पे कोई एक मॉडल को लाकर रिप्रेजेंट करना है ठीक है फिर उन्होंने डॉक्टर अखार्ट हैं जो यूनिवर्सिटी ऑफ टोरेंटो में एक रिसर्चर हैं। उनको एक लेटर लिखा और उनसे कुछ आइडियाज मांगे कि हम किस तरह से प्रोजेक्ट्स बनाए है ना? तो डॉक्टर अखाड़ ने काफी सारे इनको आइडियाज लेकर भेजे और फिर जब ये हाई स्कूल में थे तो वो काफी ज्यादा बिजी थे है ना और उन्होंने जो सारे वर्क किए थे वो उसकी एक लंबी लिस्ट उन्होंने डॉक्टर अखाड़ को भेजी तो फिर डॉक्टर अखाड़ ने उनको और सारे आइडियाज बताए कि हाँ आप कैसे किस किस प्रोजेक्ट को किस तरह से सक्सेसफुल बना सकते हो फिर नेक्स्ट ईयर जब साइंस फेयर हुआ तो उन्होंने एक प्रोजेक्ट लिया है ना और उस प्रोजेक्ट में यह था कि ऐसा कौन सा वायरल डिजीज है जो कि मोनार कैटरपिलर्स को पिछले कुछ सालों से मार रही है होता है ना कुछ ऐसी कोई बीमारी होती है जो कि वायरल हो जाती है जैसे अभी हमारे यहाँ पूरे वर्ल्ड में क्या था कोरोना वायरस फैला हुआ था अभी तीन चार साल पहले तक तो वो बहुत ही वायरल था और सभी उसे बचने की कोशिश कर रहे थे और उस समय कर रहे थे तो इनको ये लग रहा है कि ये जो वायरल डिसीज इन मोनार्क के बीच में फैल रही है जो मोनार्क कैटर पिलर्स है कैटर पिलर्स आपको पता है किसको कहते हैं वो जो बटरफ्लाई बनने से स्टेज जो होती है ना उसमें एक स्टेज कैटरपिलर्स होती है पहले के एक होते हैं फिर उसमें से उसका लार्वा निकलता है कीड़े की तरह होता है पतला सा फिर देखा होगा आप लोगों ने कैटरपिलर्स इतने लंबे से होते हैं ऐसे ऐसे रेंगते हुए चलते हैं फिर वो डेवलप होते होते बटरफ्लाई पूरा अडल्ट बटरफ्लाई बन जाते हैं ठीक है वो आप लोगों की बुक में आई थिंक ही नहीं होगा वो पूरा जो बटरफ्लाई के जर्नी है वो नहीं होगा आप लोग उसको ऐसे अगर गूगल पे सर्च करके देखोगे तो मिल जाएगा कि वो क्या प्रोसेस है उसका है ना इनको क्या लगा कि ये जो रीजन है इस वायरल डिजीज का वो बीटल्स हो सकते हैं ना तो उन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया कि इन्होंने आ, की प्रेजेंट में बीटल्स को भी रखा होता है ना आप आ, किसी चीज को रियल आ, में एक्सपेरिमेंट करते हो तो उसको किसी ना किसी तरह से रियल में अप्लाई करते हो तो इन्होंने क्या किया अपनी थ्योरी को प्रूव करने के लिए कैटर पिलर्स को और बीटल्स को साथ में रखा लेकिन इनको कोई सक्सेस नहीं मिली है ना इनको कोई सक्सेस नहीं मिली ठीक फिर फाइनली उनको ऐसा कुछ मिला जिसे उसका ये जो एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया साइंस फेयर में तो उनको उनके प्रोजेक्ट को प्राइज मिला वो जीते ठीक है फिर नेक्स्ट ईयर वो ये एक्सपेरिमेंट उन्होंने दिखलाया कि जो वायसराय मोनार्क्स बटरफ्लाई की कॉपी करती हैं देखिए मोनार्क बटरफ्लाई और वायसराय बटरफ्लाई का डायग्राम आपके बुक में दिया हुआ है उसको देखिएगा थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों बटरफ्लाइज में है ना और मोनार्क मीस क्या होता है राजा और वायसराय बटरफ्लाइज उनकी कॉपी कर रही हैं ठीक है ठेके? तो इस प्रोजेक्ट ने भी उनको कई सारे प्राइजेस दिलाए फिर उन्होंने एक और रिसर्च शुरू की ये पता लगाने के लिए कि जो मोनार्क प्यूपा होता है उसके बैक पे जो ट्वेल्व गोल्डन स्पॉट्स होते हैं वो क्यों होते हैं बाकी सभी का ये सोचना था कि वो जो स्पॉट्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ खूबसूरती के लिए हैं है ना हम ही लोग देखते हैं अगर बटरफ्लाईस को तो देखते हैं कि अरे कितनी कलरफुल है कितनी सुंदर लग रही कितनी ब्यूटीफुल है ना हम उसके पीछे के रीजन को थोड़ी ना सोचते हैं क्योंकि हमारा माइंड साइंटिफिक वाला थोड़ी है हम लिटरेचर वाले स्टूडेंट्स जो हैं स्पेशली वो सिर्फ और सिर्फ नेचर को एज इट इज इंजॉय करते हैं उसके पीछे के जो रीजनस हैं कॉजेस इफेक्ट हैं वो नहीं सोचते हैं है ना लेकिन डॉक्टर अखाड़ को ये लगता था कि जो स्पॉट्स हैं इसका कुछ ना कुछ तो रीजन है भाई वो इतने बड़े रिसर्चर हैं टोरंटो यूनिवर्सिटी में एज अ रिसर्चर वो पोस्ट हैं तो जाहिर सी बात है कि उनको काफी ज्यादा नॉलेज रही होगी तो उन्होंने एब्रॉइड को आइडिया दिया सजेस्ट किया कि आप इस रिसर्च करो तो उन्होंने ये रिसर्च स्टार्ट की तो तो एब्रॉइड और उनके साथ एक और ब्रिलियंट साइंस स्टूडेंट था वो दोनों साथ में मिलकर उन्होंने एक डिवाइस बनाई जो ये दिखलाते थे कि जो गोल्ड स्पॉट्स हैं वो एक ऐसा हार्मोन रिलीज करते हैं जो उनके ग्रोथ के लिए बहुत ही है मतलब कि है होता है ना कुछ चीजें आपके ग्रोथ के लिए या उस चीज को उस लेवल तक पहुंचाने के लिए चाहिए होती है जैसे हमारे लिए ही क्या प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट्स मिनरल्स है ना तो ये सारी चीजें हमें एक लिमिट और सही रेशियो में लेनी होती है अपने डाइट में है ना तो वो कहीं कही ना कहीं हमारा जो ग्रोथ होता है स्पेशली जो छोटे बच्चे होते हैं उनका जो ग्रोथ होता है अभी तो हम लोगों का ग्रोथ हो चुका है लेकिन जब छोटे बच्चे होते हैं तो उनको बहुत ही कैसी डाइट दी जाती है ऐसी डाइट जो उनके लिए बहुत ही हेल्दी हो और उनको ग्रोथ में उनकी अच्छे से उनकी पूरा ग्रोथ अच्छे से फुली डेवलप करे उनको है ना तो ये जो ट्वेल स्पॉट्स है गोल्डन स्पॉट्स ये भी बहुत ही मैंडेटरी थे अगर ये नहीं होते तो वो जो हार्मोन रिलीज हो रहा था उससे उस तो ये ग्रोथ ना हो पाती ना बटरफ्लाइज पूरी तरह से बटरफ्लाइज में नहीं कन्वर्ट हो पाते वो प्यूपा बन के ही रह जाते यानी कि छोटे से लार्वा टाइप के ही रह जाते ठीक और वहां पे आर्मी लैब में भी उनको चांस मिला काम करने के लिए और वहां पे उन्होंने ऐसे इक्विपमेंट्स उनको मिले बहुत ही जो एडवांस इक्विपमेंट्स एक, होते हैं ना मॉडर्न इक्विपमेंट्स वो उनको मिले और उसके थ्रू इन्होंने जब रिसर्च की तो वो हार्मोन जो था उस गोल्ड स्पॉट्स में उसका केमिकल स्ट्रक्चर उन्होंने बहुत अच्छे से समझा उसको तो एक दिन क्या हुआ कि जब वो उन जो केमिकल स्ट्रक्चर था उनकी फोटोज को देख रहे थे तो उन्होंने लाइफ की बहुत बड़ी पजल को सॉल्व किया क्या पजल थी वो ये जानने में कामयाब हुए वो ये जानने में सक्सेसफुल हुए कि कैसे जो एक सेल का जो ब्लूप्रिंट होता है वो अपने डीएनए को किस तरह से डेवलप करता है वो उसका जो डीएनए का जो ब्लू होता है वो सेल कैसे उसको जानता है ठीक है तो ये काफी बड़ी इन्वेंशन थी काफी बड़ी खोज थी डिस्कवरी थी और इनकी ये जो इनका जो जो आर्टिकल था ये एक मैगजीन में पब्लिस्ड भी हुआ है ना तो ऐसा नहीं है कि एम्प्रॉयड सिर्फ और सिर्फ साइंस में ही इंटरेस्टेड थे इनकी और भी कई सारी हॉबीज थी इंटरेस्ट थे और इनके जो सोशल स्टडीज के टीचर थे ये हमेशा ही उनको एडमायर करते थे उनकी तारीफ करते थे और उनको नए नए आइडियाज देते थे और एम्ब्रॉयड जो थे वो एक बहुत ही अच्छे डिबेटर भी थे है ना वो कहते थे कि वो पब्लिक स्पीकिंग और पब्लिक स्पीकिंग में उनको बहुत अच्छा जाती थी वो डिबेटिंग में भी बहुत गुड थे और एक बहुत ही बहुत ही ग्रेट कैनोइस्ट थे कैनोइस्ट यानी कि जो बहुत अच्छे से पिक्स लेते हैं फोटोग्राफर है ना फिर उनके जो टीचर हैं सोशल स्टडीज के जो टीचर हैं वो कह रहे हैं कि एब्रॉयड कभी भी इसलिए नहीं प्राइजेस जीतता था या इसलिए नहीं जीतता था कि उसको प्राइजेस चाहिए होता है ना कि वो इस लालच के लिए नहीं कि मुझे प्राइजेस चाहिए इसलिए नहीं वो जीतता था लेकिन वो इसलिए जीतता था क्योंकि वो बेस्ट बनना चाहता था और उनको पता था कि मुझे उसके लिए बेस्ट बनने के लिए क्या करना है तो वो उन चीजों को करते थे बेसिकली कहने का मतलब यह है कि एब्रॉयड जो थे वो हमेशा ही एक हेल्दी कंपटीशन करते थे वो किसी को नीचा दिखाने के लिए या सिर्फ प्राइस जीतने के लिए नहीं जीतते थे ठीक है उसके लिए कंपटीशन नहीं करते थे वो खुद को प्रूव करने के लिए जीतते थे ठीक है है तो फिर उसका कंक्लूजन में में ये लिखा हुआ है कि चैप्टर क्या दिखलाया गया है कि जो साइंटिस्ट बनने के लिए जैसा कि चैप्टर का नाम ही है द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट तो साइंटिस्ट बनने के लिए क्या क्या चाहिए राइट अमाउंट ऑफ क्यूरसिटी अगर एक साइंटिस्ट क्यूरियस नहीं है उसको चीजों को जानने की जिज्ञासा नहीं है क्यूरियसिटी नहीं है तो कभी भी साइंटिस्ट नहीं बन सकता जैसा कि हम सभी न्यूटन और उनके एक साथ क्या हुआ था उस स्टोरी से बहुत अच्छे से जानते हैं कि हाँ किस तरह से न्यूटन के सर पर एक एप्पल गिरा और उन्होंने फिर ग्रेविटी की खोज की ठीक है तो अगर ये क्यूरियसिटी न्यूटन में नहीं होती कि एप्पल क्यों गिरा तो क्या ग्रेविटी हम जान पाते ग्रेविटी के बारे में हो सकता है उसके बाद बहुत बाद में कोई ऐसा आता है जो इस चलिए भाप से चलने वाला इंजन स्टीम इंजन जिसको कहते हैं वो उन्होंने इन्वेंट किया तो कहीं ना कहीं क्यूरसिटी हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती है तो यहाँ पे यह लिखा हुआ है चैप्टर में कि

तो इन क्वालिटीज़ को ही इंग्रेडिएंट्स का नाम दिया गया है ठीक है और इनकी जो माँ थी इन्होंने भी उनको साइंटिस्ट बनाने में एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया है क्योंकि यही थी जो उसको शुरू से ही सपोर्ट करती थी और वही थी जो उनके लिए वो बुक लेकर आई थी जो द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क एक्स है और इसी बुक की वजह से ही उनके अंदर साइंटिफिक वर्ल्ड के लिए क्यूरियसिटी इंटरेस्ट जागा था ठीक है इनकी माइंड के लिए कई सारे ऐसे इक्विपमेंट्स भी लाई ला थी स्टार्टिंग में स्टोरी में मेंशन था कि जैसे हो हो गया हो गया माइक्रोस्कोप तो इससे क्या होता था कि वो धीरे धीरे जो साइंटिफिक वर्ल्ड है उसमें बहुत ज्यादा क्यूरियस होते चले गए तो ये थी पूरी जर्नी कि कैसे रिचर्ड एब्रॉइड एक महान साइंटिस्ट बने तो आई होप कि आप लोगों को ये पूरा टेक्स्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा ठीक है अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन आंसर की देखिए इसमें जो जर्नी बताई गई है कि कैसे वो साइंटिस्ट बने इसी पे ही मेन क्वेश्चन आने वाला है क्योंकि ये पूरी की पूरी उनकी लाइफ की जर्नी है ठीक तो इसमें एक चीज सबसे इम्पोर्टेंट है ये वाला जो बुक है इसमें द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क एक्स इस बुक ने किस तरह से एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया साइंटिस्ट कि बने एक क्वेश्चन ये हो गया दूसरा क्वेश्चन इसमें ये इम्पोर्टेंट है कि वो जो गोल्डन स्पॉट्स थे वो क्या थ्योरी बता रहे थे वो क्यों एसेंशियल थे फॉर द ठीक एक क्वेश्चन ये हो गया और अगर ओवरऑल क्वेश्चन की बात करें तो जो इनकी जो क्वालिटीज इनका जो कैरेक्टर स्केच है अब्रॉइड का ये भी पूछ सकता है लॉन्ग क्वेश्चन में है ना कि अब्रॉइड का आपको ये पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद आपको क्या लगा कि अब्रॉइड किस तरह के पर्सन है तो ब्रिलियंट माइंड क्यूरियस माइंड और उसके साथ साथ एक हम्बल पर्सन थे और उन्होंने क्या किया कि अपने गोल को बहुत ही सीरियसली लिया और उसको अचीव किया इनकी जो जर्नी है वो क्या थी ठीक एक क्वेश्चन ये हो गया फिर देखिए ये क्योंकि ऐसा तो कोई साइंस की तो है नहीं ये इंग्लिश है तो इसमें गोल्डन स्पोर्ट से रिलेटेड ज्यादा चीजें तो नहीं पूछी जानी चाहिए लेकिन इन केस अगर पूछता है तो आई होप कि आप लोगों को ये जस्ट क्लियर हो गया होगा कि गोल्डन स्पोर्ट्स का क्या रोल था है ना और जो सेल डीएनए का जो ब्लूप्रिंट कैसे वो जो सेल्स होती हैं वो कैसे डीएनए का ब्लूप्रिंट्स पढ़ सकती हैं उनको क्रिएट कर सकती हैं तो ये चीज भी आप लोगों को क्लियर हो गई होगी है ना लेकिन ये ये सारी चीजें नहीं पूछेंगी बेसिकली इनकी जो जर्नी थी इनकी माँ ने किस तरह से इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया इनको एक साइंटिस्ट बनाने में ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है ना तो देखिए अगर टेक्स्ट क्लियर है और आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर करने आता है यानी कि बिना ग्रामेटिकल मिस्टेक्स की आप सेंटेंस को बना लेते हो तो इजिली आप कोई भी क्वेश्चन कर ले जाओगे क्लियर So, आज की वीडियो हम यहीं पे खत्म करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम बाय बाय